यीशु दादी अंसा बहन करुणा भाई गोपाल भाई साथ में आत्म प्रकाश जी डॉक्टर प्रताप जी गोपाल भाई सभी भाई और फिर साथ में हमारे विदेश से आई हुई बहने रशिया से संतोष बहन और भी रजनी बहन और उनके साथ में इधर बहने पीछे भी बैठी हैं सभी स्टेज पर विराजमान बहनों और भाइयों और आप सभी विश्व के कोने कोने से भारत के कोने कोने से कोई समीप से और चारों ही हमारे जो विशेष स्थान है शांति वन ज्ञान सरोवर और फिर मधुबन पांडव भवन ग्लोबल हॉस्पिटल और साथ में ट्रॉमा सेंटर आई हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स संजय पार्क सोलर प्रोजेक्ट और पीस पार्क सभी तरफ के बहने और भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और अनेक देशों से आए हुए बहने और भाई भी साथ में यहाँ उपस्थित हैं तो ये एक विश्व व्यापी ईश्वरी परिवार का आज दीप उत्सव है दिवाली है जो हम आप सब मिलकर के यहाँ मना रहे हैं ऐसा दुनिया के अंदर और कहीं भी नहीं होता है ये सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ही इसके लिए हम आप सबको बहुत गौरव होना चाहिए कि हम किस परिवार को बिलोंग करते हैं किस परिवार से हम आए हैं किस परिवार में हम जाने वाले हैं आज बाबा ने सबको ईश्वरी सेवा की जिम्मेदारी का ताज दिया हुआ है और आज के जो जिम्मेदारी की ताजदारी है वो सभी भविष्य में दो ताजदारी डबल ताजदारी विश्व महाराज विश्व महारानी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे बहुत थोड़ा समय बाकी रहा है और बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की गहराइयों में दिव्य गुणों की धारणा की अनेक अनेक स्थिति के बारे में जो शिक्षाएं दी हैं उसके कारण ही आज हम सब दीपावली पर स्वयं में बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमें बाबा ने किस तरह से इस पुरुषोत्तम संगम युग पर क्या ज्ञान रत्नों से सजा दिया है क्या दिव्य गुणों से सजा दिया है और क्या दिव्य धारणाओं से सजा दिया है तो ये ऐसी सजी हुई सभा आज हमारे सामने बैठी है सभी को सजे सजाए भाई बहनों को बहुत बहुत मैं कहूंगा सोने के फूलों की वर्षा के साथ बहुत बहुत दिवाली की मुबारक जैसे आज दिवाली के दिन सभी के मन में असीम खुशियां हैं खुशियां किस बात की हैं
कि हमें पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा आत्म ज्योत जगाने के लिए इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है और कहां कहां से चुन करके हमें अपने दिल तख्त पर मशीन किया है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हर एक बाबा के बच्चे का। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ओवनहार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सभी का बहुत बड़ा ये सौभाग्य का दिन है। और विशेष रूप से यही कहेंगे कि जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित किया हुआ है, जो देश विदेश की सेवाओं में लगे हैं, वो एक प्रकार से यूं कहेंगे कि परमात्मा पिता की तरफ से सारे विश्व की जन जन की आत्माओं की ज्योत जगाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। ऐसी महान आत्माओं को आज के दिन विशेष बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। मैं जानता हूं कि मैं यहां शांतिवन में डायमंड हॉल में आप सबसे मिल रहा हूं, लेकिन सिर्फ जो डायमंड हॉल में बैठे हैं उनसे नहीं मिल रहा हूं। देश विदेश में सब तरफ पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा व अन्य चैनल्स के द्वारा सभी आज जैसे के शांति मन में पहुंचे हुए हैं। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक है और आने वाले नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सदा स्वस्थ रहें, धन धान्य संपन्न रहें, सदा ज्ञान युक्त जीवन व्यतीत करते हुए अति इंद्रिय सुख का अनुभव प्राप्त करते रहें। ओम शांति। से भरपूर के साथ साथ अपने सौभाग्य के गुणगान करने का भी दिन है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, आज सबका सौभाग्य का दिन है और प्यारे बाबा ने तो हमारा श्रृंगार किया ही, लेकिन अभी बाबा दादा ने प्यारी गुलजार दादी जी के माध्यम से भी हमारे ज्ञान रत्नों से सजाया है। तो आज के दिन इस हॉल में स्टेज पर हम गुलजार दादी जी को अपने बीच पा रहे हैं, वह हमारे बीच है। हम उनका करतल ध्वनि से जोर से स्वागत करेंगे, चाहे दादी जी कल से वहाँ हैं, लेकिन दादी सदा हमारे साथ है, मन से सदा है और सदा साथ है, सदा स्वस्थ है। और दादी जी की संभाल के लिए योगी बहन दिल्लू बहन और अन्य जो भी बहने भाई हैं उस सबको हम डायमंड हॉल में अपने सामने देख रहे हैं, उनका भी हम बहुत जोर से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। कितना हर्षित दिवस है कि हम ब्राह्मण परिवार जो आपस में मिलकर दिवाली मनाते हैं, एक नई शोभा होती है, नई रौनक होती है। अब नई रौनक